सबसे पहले स्टडी मटेरियल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। Thereafter, संतोष went on an expedition every year. उसके बाद संतोष हर साल एक माउंटेन पर चढ़ाई के लिए जाती थी. Her climbing skills matured rapidly. और उनकी climbing skills जो थी वो बहुत ही तेजी से अच्छी होने लगी. Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. और उन्होंने बहुत ही जल्दी कोल्ड और ऊंचाई से बचने के लिए रेजिस्टेंस अपने अंदर जेनरेट की. इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली. संतोष जो थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी. उनकी जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत स्ट्रांग थी. उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फिजिकल एंड्योरेंस थी, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और ठंड लगती है, और ऊंचाई से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को डर लगता है. लेकिन जो संतोष थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी. उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, और उनकी जितनी भी स्किल्स थी पहाड़ पर चढ़ने की वो इम्प्रूव होती जा रही थी. द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992. कल्मिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट. तो संतोष ने 1992 में अपनी स्किल्स का बहुत अच्छा रिजल्ट दिया. जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन देम. सिर्फ 4 साल के बाद जब उन्होंने अपनी माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग शुरू की थी, उसके बाद ही उन्होंने अपनी सारी रेजिस्टेंस और विल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest. सिर्फ 20 साल की उम्र में संतोष ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करी, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. और उसके बाद पूरी दुनिया में youngest woman बनी जिन्होंने ऐसी चीज़ की थी. If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. इसके बाद ये कहते हैं कि अगर संतोष की जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, उनकी फिजिकल फिटनेस और उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, अगर वो ये सारी चीज़ें उनके सीनियर्स को इम्प्रेस करती थी, अच्छी लगती थी. संतोष का एक दूसरा साइड भी था, उनका कंसर्न दूसरों के लिए, उनका ख्याल रखने का तरीका जो था दूसरों के लिए, उनका जो इच्छा थी दूसरों के साथ काम करने के लिए, उसने एक स्पेशल जगह बनाई उनके फेलो क्लाइंबर्स के दिल में. ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव provided special care to a climber who lay dying at the South Col. 1992 में जब संतोष माउंट एवरेस्ट के मिशन पर थी, तब उन्होंने एक दूसरे क्लाइंबर को स्पेशल केयर दी, उसका ख्याल रखा जो बिल्कुल मरने की हालत में था साउथ कोल पॉइंट पर. शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम. लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद संतोष उस क्लाइंबर को नहीं बचा पाई. However, she managed to save another climber, Mohan Singh. लेकिन संतोष ने एक दूसरे क्लाइंबर की जान बचाई जिसका नाम मोहन सिंह था. Who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. जिसका वही हाल होता, मतलब उसकी जान भी नहीं बच पाती अगर संतोष उसके साथ अपनी ऑक्सीजन शेयर नहीं करती, क्योंकि इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है. तो जो क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन टैंक्स लेकर जाते हैं ताकि वो लोग उस ऑक्सीजन से ब्रीथ कर सकें. विद इन 12 months संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन दैट इनवाइटेड हर टू जॉइन देम. फिर अगले 12 महीनों में संतोष ने अपने आप को एक मेंबर बनाया इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन का. मतलब
ये एक ग्रुप था जो जिसमें नेपाल से भी क्लाइंबर्स थे और इंडिया से भी क्लाइंबर्स थे, जो जो लोग अलग अलग एक्सपीडिशंस पर जाते थे। मतलब ये सारी औरतें एक साथ मिलकर अलग अलग माउंटेन्स की एक्सपीडिशन पर जाते थे। दैट इन्वाइटेड हर टू जॉइन देम। इस एक्सपीडिशन के ग्रुप ने संतोष को इन्वाइट किया कि वो उनको ज्वाइन करे। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम। उसके बाद संतोष ने एवरेस्ट पर दूसरी बार चढ़ाई की, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice। और उसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि वो ओनली वुमेन थी, वो ओनली औरत थी जो एवरेस्ट पर दो बार चढ़ चुकी थी। एंड सिक्योरिंग फॉर herself एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द annals ऑफ माउंटेनियरिंग। और उन्होंने अपनी और इंडिया की जगह बनाई इन द annals ऑफ माउंटेनियरिंग। मतलब माउंटेनियरिंग के इतिहास में उन्होंने अपनी और इंडिया की एक अलग जगह बनाई। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ओनर्स पद्मश्री। संतोष की अचीवमेंट्स की रिकॉग्निशन में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें इंडिया का हाईएस्ट ऑनर दिया जो है पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है जो ऐसा दिखता है। ये तीन अवार्ड्स हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्मश्री इंडिया का हाईएस्ट ऑनर होता है जो किसी भी ऐसे इंसान को दिया जाता है जो इंडिया के लिए कुछ बहुत ही बड़ा काम करे।